नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है टॉयलेट फ्लश टैंक, जिसे हम सिस्टर्न या ओपन फ्लश टैंक भी कहते हैं, इसकी असेंबली के ऊपर। आपके पास में चाहे किसी भी ब्रांड का फ्लश टैंक हो, इसे असेंबल करने का प्रोसेस सभी के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आपके टॉयलेट फ्लश टैंक में ओवरफ्लो या लीकेज की प्रॉब्लम है और आप ये चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप 2000 लाइक तक पहुंचा दें और मैं उन दोनों प्रॉब्लम्स के ऊपर जो वीडियो जरूर बना दूंगा। आपको इसे इसके बॉक्स से बाहर निकालना है और इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सभी इस टैंक के अंदर में ही पैक किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका जो ये ऊपर वाला कवर है, ये ओपन करना पड़ेगा। और इसे ओपन करने के लिए आप अगर देख पा रहे हो, यहाँ पे ये एक लॉक जैसा लगा रहता है। ये दोनों तरफ होगा, ये इस साइड भी होगा, ये देखिए। तो जो ऊपर वाला लॉक है, आपको इसे ओपन करना है। आप इसे एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी निकाल सकते हैं और एक प्लायर की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसे प्लायर की हेल्प से इसे इस तरह से पकड़ना है इसे और बाहर की तरफ को खींच लेना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का रहता है। तो इसे इस बाहर निकाल लेना है आपको दोनों साइड से। इन लॉक्स को निकालने के बाद आपको इसका जो कवर है ये इस तरह से निकाल देना है। और आप देख पा रहे होंगे इसके जितने पार्ट्स हैं वो बीच में ही यहाँ पे पैक्ड रहते हैं। तो ये इसकी पाइप है एल्बो स्टाइल में, और ये इसकी रबर्स हैं और ओरिंग वगैरह, और इसकी जो माउंटिंग ब्रैकेट्स हैं वो सब कुछ इसमें हैं। ये रहा इसका फ्लोट बॉल, और ये इसका इनलेट पाइप का वॉल्व है जो कि आगे फ्लोट के साथ में अटैच होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी इसमें प्री असेंबल किया होता है ये। तो कुछ एक जो हमारे फ्लैश टैंक्स आते हैं उनमें ये प्री असेंबल्ड नहीं होता है इतना सभी पार्ट। तो मैं पहले इन्हें जो वो ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ये पूरी असेंबली दिखा सकूँ कि अगर आपके केस में ये प्री असेंबल्ड नहीं आते हैं तो आप इसे किस तरह से कर पाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे भी ओपन कर लिया है। और एक बेटर रहता है कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये एक स्पेसर टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है। कुछ एक जो फ्लैश टैंक्स आते हैं उनमें ये अलग से लगा रहता है, और कुछ एक में ये देखिए ज़्यादातर में ये यहाँ पे ही लगा रहता है। इसमें कवर भी फिट हो जाता है और ये जो हमारा टैंक है इसे भी ये कंट्रोल कर लेता है कि ये अंदर की तरफ को इस तरह से ना दब जाए। तो इसे भी अगर आप ओपन कर लेंगे तो आपको असेंबल करने में आसानी रहती है। इसे भी आपको सिमिलर वे से यहाँ पे लॉक लगा रहता है, उन लॉक्स को ओपन कर लेना है। ये भी जो हमारा स्पेसर टाइप की ये बाहर निकल आएगा। ये देखिए, दोनों लॉक्स निकाल दिए। और ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ बैक साइड पे भी इसके लॉक्स लगे हुए हैं, तो इन्हें भी आपको निकाल लेना है। उसके बाद ये जो स्पेसर टाइप की यहाँ पे निकल जाएगी प्लेट जैसी, इससे हमें यहाँ पर इसे असेंबल करने में आसानी रहती है। तो ज़्यादातर जो हमारे फ्लैश टैंक्स आते हैं उनमें ये प्री असेंबल्ड होता है। ये जो हमारा फ्लैश का पिस्टन कह लीजिए आप, या फ्लैश लीवर कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो ये हमारा प्री असेंबल्ड आता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बॉटम पे यहाँ पे एक यहाँ पे हमारी पाइप लगती है, बेंड पाइप लगती है, या आप इसे कह सकते हैं आउटपुट पाइप। तो यहाँ पर भी एक ये आप देख रहे होंगे ये एक नट जैसा है, प्लास्टिक नट है, और यहाँ पे एक रबर सील लगी हुई है, इसके नीचे ये पाइप लगी है। तो ये भी अलग से आता है, तो आपको इसे लगा के यहाँ पर इसे टाइट कर लेना। तो मेरे केस में ये पहले से ही लगा हुआ है और मैं इसे ओपन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास में इसका अभी रेंच नहीं है, तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊँगा इसे दोबारा से लगा के टाइट करके। तो इसे आपको टाइट कर लेना है, और उसके बाद आपके पास में ये पिस्टन जैसा होगा, ये देखिए। तो ये हमारा फ्लैश का जो आउटलेट है ये यहीं से होती है। तो आपको सबसे पहले इसे ही असेंबल करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका ये पार्ट भी अलग हो जाता है। तो ये आपके केस में हो सकता है कि ये भी अलग आए। तो ये सिंपल इस तरह से इसके ऊपर में थ्रेड्स लगी रहती हैं, आपको इसे इस तरह से टाइट कर लेना है। देखिए टाइट हो चुका है। देन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ एजेस बने हुए हैं, ये दो साइड पे ही होंगे। और सिमिलर यहाँ पे आपको जो ये इसका इनर पार्ट है, ये देखिए ये एक है, ये दूसरा एज है। तो आपको इन एजेस को इस तरह से इन ग्रूव्स में लगाना है, और उसके बाद इसे हल्का सा रोटेट कर देना और ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए, मैं बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, ये बाहर नहीं आ रहा है, अब ये लॉक हो चुका है और ये फ्रीली यहाँ पर घूम रहा है।
तो आपको इसे इंस्टॉल करने में आसानी रहती है। अब इसके बाद जो इसका ये लीवर है, ये हमारा फ्लैश पिस्टन को उठाने के काम आता है। तो इस लीवर को आपको यहाँ पे लगाना है, ये देखिए ये इसमें आगे ये बना हुआ है ताकि ये बाहर ना निकले, आपको इस तरह से अंदर में लगाना है। देन इसे यहाँ पर ये देखिए ये एक जगह बनी हुई है जहाँ पे हमारा जो फ्लैश की नॉब है लीवर, इस लीवर को ऑपरेट करने के लिए वो लगी रहती है, तो यहाँ पे हमें उसे लगाना है। तो ये रही उसकी नॉब, और इसे हमेशा इस तरफ को लगाना है, आप इस तरह से उल्टा ना लगा दें, आपको इसे इस तरह से लगाना है। और इसके अंदर में ये देखिए साइड पे दो ये एक बना रहता है स्क्वेयर टाइप में, तो ये अंदर जाएगा, और ये जो स्क्वेयर टाइप है ये इस लीवर में फिट होता है। ये देखिए ये इस लीवर में लग चुका है। और इसके बाद में यहाँ पे एक ये छोटा सा स्क्रू टाइप, प्लास्टिक स्क्रू टाइप लगा रहता है, इससे ये टाइट हो जाएगा, आपको इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो यहाँ तक की जो असेंबली है वो कई बहुत सारे मॉडल्स में जितने भी ब्रांड्स हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, उनमें यहाँ तक की जो असेंबली है वो प्री असेंबल्ड ही आती है ज़्यादातर। और इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा हमारा इनलेट पाइप का वॉल्व, तो मैं इसे पहले ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि आपके केस में ये एक पाइप एक्स्ट्रा दी हो, या यहाँ पे एक कोई प्लास्टिक का कुछ और लगा हो। ये एक हमारी इनलेट पाइप से डायरेक्ट टैंक में नीचे पानी जाता है, तो इसे आपको लगा लेना है। और ये वाला जो साइड है, यहाँ पे हमारी जो इनलेट पाइप है वो ज्वाइन होती है, जो हमारा बाहर से आता है, और ये जो हमारा सिस्टम है ये यहाँ पे काम करता है एज अ वॉल्व। और इस एंड पे हमें जो वो इसका ये फ्लोट वॉल्व जो है वो लगाना होता है। तो यहाँ पे मेरे केस में दो थ्रेड्स बनी हुई हैं, आपके इसमें सिंगल भी हो सकती है, तो आपको इसमें से किसी भी एक थ्रेड में यहाँ पे इसे बॉल को लगा देना है। इसे आप अच्छी तरह से टाइट ज़रूर करें। और इसके बाद में ये जो हमारी इनलेट पाइप की वॉल्व है, ये आप चाहें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो राइट साइड पे भी लगा सकते हैं। जो एक स्टैंडर्ड इसका स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं साइड है, वो राइट साइड रहती है। ये देखिए यहाँ पे इसीलिए ये इस होल को ओपन रखा गया है, लेकिन अगर किसी कारण आपके जो बाथरूम है वहाँ पे आपने इसका जो साइड है वो रखी हुई है लेफ्ट साइड रखी है, तो आप इसे यहाँ पे ये ओवरफ्लो के लिए अलग से यहाँ पे पॉइंट लगाया जाता है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। अभी मैं इसे नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से टाइट किया हो गया है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पे यहाँ पर स्टेनर जैसा लगाया हुआ है, जाली जैसी बनी हुई है, तो अगर आप चाहें तो इस तरफ भी इसे लगा सकते हैं और इस तरफ भी लगा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। और आपको यहाँ पे इस फ्लोट बॉल को जो है लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा इसे पीछे की तरफ से लगाना है। ये हमारा जो लीवर है, फ्लैश का लीवर है, ये आगे होता है, तो हमें इसे हमेशा आगे इस तरह से पीछे से तरफ से लगाना है। अगर आप इसे यहाँ से बीच में से डाल के आगे तरफ लगा लेंगे तो आपका जो ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो बॉल है ये पूरी तरह से ऊपर नहीं आएगा, और ये जो वॉल्व है ये बंद नहीं हो पाएगा, और जो भी पानी है इनलेट पानी जो आता रहेगा और वो ओवरफ्लो होता रहेगा, तो इसे हमेशा पीछे की तरफ से लगाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका नट लगा हुआ है, आपको इस नट को ओपन कर लेना है पहले तो। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दो वॉशर्स दी हुई हैं, तो आपको इसमें से एक वॉशर निकाल लेनी है, क्योंकि ये बाहर की तरफ से लगाएंगे हम। और यहाँ पर इस तरह से हमें फ्लोट रखना है, पीछे की तरफ से ध्यान रखना है, और ये यहाँ पर इस पाइप में इस तरह से लगा देना है। देन ये इसकी जो दूसरी वॉशर है ये आपको यहाँ पर लगानी है, और ये जो नट है इसे आपको टाइट कर देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल यहाँ पर नीचे की तरफ लगाओ, जो पाइप हमारी यहाँ पे लगी रहती है वो नीचे की तरफ हो, और ये जो फ्लोट है ये बिल्कुल फ्रीली यहाँ पे ऑपरेट हो रहा हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक यहाँ पर एक थ्रेड जैसी बनी हुई है, तो आपको इस थ्रेड को जो है वो यहाँ पे लॉक कर देना है। ये हमारा यहाँ पे वॉल्व की सेटिंग के लिए रहता है, यहाँ पर आप एक स्क्रू ड्राइवर वगैरह लगा के इसकी जो
सेटिंग है वो कर सकते हैं आप, इसका जो पानी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कभी कि आपको इसे किस तरह से सेट करना है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसे आपको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो ये यहाँ पे हमारी जो इनलेट पाइप है वो लगती है बाद में, वो आपके टॉयलेट के हिसाब से जहाँ पे भी आपने रखी होगी उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो अभी जो फ्लैश टैंक के अंदर की जो जितनी भी इसकी हमारी असेंबली रहती है वो पूरी हो चुकी है, तो इसे हम क्लोज कर सकते हैं। तो हमने जो इसकी ये प्लेट निकाली थी स्पेसर प्लेट, इसे हम लगा देंगे। आपके केस में अगर ये ओपन ही है तो आप इसे उस तरह से लगा लें, मेरे केस में यहाँ पे इसे लॉक्स के साथ में दिया गया है तो मैं इसे लॉक्स के साथ में लगाऊंगा। तो ये प्लेट जो वो लग चुकी है, इसके बाद हम इसका जो कवर है वो लगा देंगे। ये हमारा जो असेंबली का काम है वो अंदर की जितनी असेंबली है वो पूरी हो चुकी है। जस्ट जो इसकी बाहर की असेंबली है, जो इसकी आउटपुट पाइप की असेंबली है वो रहती है। तो यहाँ पे आपको ये जो एल्बो दिख रही है पाइप हमारी, इसमें असेंबल भी होती है, थोड़ी सी असेंबली रहती है। यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मिली हुई हैं, जैसे कि ये एक आप देख रहे हैं, ये एक रबर गैस्केट है जो कि हमारे टॉयलेट सीट में लगती है, और ये एक छोटी सी ओरिंग है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ वॉल माउंटिंग्स दी हैं जिसके ऊपर हमारा ये जो फ्लैश टैंक है ये माउंट होता है। तो ये तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा कि ये आपको इसे माउंट कैसे करना है, क्योंकि ये जस्ट असेंबली के ऊपर वीडियो है। तो ये इसकी पाइप है, ये वाला जो साइड है ये हमारी लगती है यहाँ पर इस जगह पर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो ग्रूव्स दिए हैं, तो ऊपर वाला जो ग्रूव है इसमें आपको इस ओरिंग को लगाना होता है, ये देखिए कुछ इस तरह से। देन ये यहाँ पर इस तरह से अटैच होगी, और ये इसका एक कैप रहता है ताकि ये बाहर ना निकले। आपको इस कैप को जो है वो यहाँ ऊपर की तरफ से लगा के यहाँ पे टाइट कर देना है। इससे ये रहता है कि ये जो पाइप है अच्छी तरह से टाइट हो जाती है, और जो इसकी ओरिंग है उसकी वजह से ये सील्ड हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ से कोई भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये देखिए ये यहाँ पर लग चुकी है, और ये जो पार्ट रह गया यहाँ पे ही हमारा जो ये आप देख रहे हैं, ये जो गैस्केट है जो मैंने आपको बताया कि टॉयलेट सीट में लगती है, तो ये टॉयलेट सीट में इस तरह इस साइड से लगेगी, और यहाँ पर ये जो पाइप है ये कुछ इस तरह से बाद में लग जाती है। ये देखिए बस इतना सा ये यहाँ पर लग जाती है, और आपका जो टॉयलेट सीट के साथ में आपके जो फ्लैश टैंक का जॉइंट है वो एकदम लीकेज फ्री हो जाता है, और इसी के साथ में इसकी जो असेंबली है वो ख़त्म होती है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने टॉयलेट फ्लश टैंक की जो असेंबली कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।